हेलो दोस्तों, क्वेश्चन बैंक में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे MPTET के बारे में। MPTET का जो मिडिल स्कूल टीचर एबिलिटी टेस्ट 2018 में निकला था, 56,000 समथिंग जो निकला था वैकेंसी, उसके एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अभी एमपी की मेन वेबसाइट पे हूँ, पीईबी पे। जैसे ही आप इसकी वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें दिखाएगा मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018। ये प्रेस नोट एग्जामिनेशन शेड्यूल, आपको इस पे क्लिक करना है। अभी डाउनलोड होगा, इसके बाद देखते हैं क्या है इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें डेट दी गई है, सब्जेक्ट है, इसमें डेट है, ये सब्जेक्ट है, कौन से दिन आपके एग्ज़ाम होगा, ये शिफ्ट है, कौन से शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, और टाइमिंग है ये आपका, ये दो टाइमिंग है। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका उस किस दिन एग्ज़ाम है। जैसे उर्दू का 16 को है, संस्कृत 17 है, इंग्लिश 18 है, साइंस 18 है, मैथ्स 24 है। साइंस 18, 20, 21, 22 चार डेट में है। मैथ्स के 24 से 26 तक है एग्ज़ाम। सोशल साइंस के बहुत 28, 26 से लेके 6 मार्च तक है एग्ज़ाम, और हिंदी का 7 मार्च से लेके 10 मार्च तक एग्ज़ाम है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आपका एक न्यू शेड्यूल जारी किया गया है। आज 7 तारीख है और 16 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है, लेकिन 16 फरवरी से लेके 10 मार्च तक है मिडिल स्कूल टीचर एबिलिटी टेस्ट 2018 का MPTET है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आप क्वेश्चन बैंक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे जॉब से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है इस चैनल पे अपलोड किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।